स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और डिजीजेस के ऊपर, यानी कि कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट जो है वो प्रयोग में लाते हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो बेस्ड है। जैसे कि मैंने कुछ कॉमन जो है वो यहां पर डिजीजेस लिए और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट यहां पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है एमीज टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? एमीज टेस्ट इज डन टू नो द कार्सिनोजेनिसिटी, यानी कि किसी केमिकल के अंदर कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है उसकी प्रेजेंस है या नहीं है, उसको जानने के लिए, कार्सिनोजेनिसिटी को जानने के लिए हम एमीज टेस्ट का यूज करते हैं। डिक टेस्ट, डिक टेस्ट का उपयोग जो है हम लोग स्कारलेट फीवर, एक फीवर का टाइप है स्कारलेट फीवर, उसको डायग्नोस करने के लिए हम डिक टेस्ट का यूज करते हैं। मेंटाउक्स टेस्ट, मेंटाउक्स टेस्ट जो होता है वो एक बहुत कॉमन डिजीज है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को जानने के लिए, किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं है ये कंफर्मेशन टेस्ट है मेंटाउक्स टेस्ट, इससे कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। फिर एक और टेस्ट है रोज वेलर टेस्ट, ये एक फीवर का टाइप है रूमेटॉइड फीवर, रूमेटॉइड फीवर को जानने के लिए हम रोज वेलर टेस्ट करते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये स्कारलेट फीवर, रूमेटॉइड फीवर क्या है, तो मैं आने वाले दिनों के अंदर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, मैं सारी के सारी जितने डिजीजेस हैं ह्यूमन डिजीजेस उन सबको डील करने वाला हूं डिटेल्स के अंदर अलॉन्ग विद सिम्टम्स। ओके, सो रोज वेलर टेस्ट जो है वो रूमेटॉइड फीवर के लिए होता है। शिक टेस्ट, इट इज फॉर नोइंग दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया और नॉट, किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया है या नहीं है उसको जानने के लिए हम लोग शिक टेस्ट करते हैं। वेसरमैन टेस्ट, वेसरमैन टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? साइफिलिस के डायग्नोसिस के लिए। ओके, वाइडल टेस्ट, ये जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए होता है? टाइफॉइड को जानने के लिए, वेरी कॉमन टेस्ट, राइट, कई लोगों को टाइफॉइड होता है तो विडाल टेस्ट जो है वो उसको जानने के लिए होता है। वेसन स्टेन टेस्ट, वेसन स्टेन टेस्ट जो है वो इस बात को डायग्नोस करने के लिए कि प्लेग हुआ है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट, वेसन स्टेन टेस्ट। टॉर्निक्यूट टेस्ट, टॉर्निक्यूट टेस्ट जो है वो डेंगू फीवर को जानने के लिए, डेंगू फीवर को जानने के लिए हम टॉर्निक्यूट टेस्ट करते हैं, राइट। एड्स को जानने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल, वेरी वेरी ड्रेडफुल डिजीज, और एड्स को जानने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। और मलेरिया को जानने के लिए, मलेरिया डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या आरडीटी जिसको की कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। आर यू गेटिंग? सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एमीज टेस्ट टू नो द कार्सिनोजेनिसिटी, राइट, ऑफ एनी केमिकल। डिक टेस्ट जो होता है वो स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं। मेंटाउक्स टेस्ट फॉर नोइंग द ट्यूबरक्यूलोसिस। रोज वेलर टेस्ट फॉर नोइंग द रूमेटॉइड फीवर। शिक टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग द डिप्थीरिया, राइट। वेजरमेन टेस्ट जो होता है, वेजरमेन टेस्ट जो होता है वो साइफिलिस के डायग्नोसिस के लिए होता है, राइट। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफॉइड के लिए होता है। वेसन स्टेन टेस्ट जो होता है वो प्लेग के कंफर्मेशन के लिए होता है। टॉर्निक्यूट टेस्ट जो है वो डेंगू फीवर है या नहीं उसको जानने के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के कंफर्मेशन के लिए होता है। और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन फॉर नोइंग द मलेरिया। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस और उनके जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो हम लोगों ने पढ़े। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग और भी ह्यूमन डिजीजेस से एसोसिएटेड बहुत सारे वीडियोस को लेकर आएंगे। सो उन्हें देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।